हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या आपको पता है, डार्क वेब पर आप 743 रुपीस पर इंच के हिसाब से इंसानी चमड़ी खरीद सकते हो। और जरा ये भी देख लो, डार्क वेब पर आपको ऐसा अगर चमड़ी की डिमांड इतनी है तो जरा सोचो हार्ट, लंग्स और किडनी का क्या भाव होता होगा। वेल, वो जानने से पहले, क्या आप भी अपने बॉयफ्रेंड और आपके प्यार के बीच आ रही उसकी बीवी से परेशान हो? अगर हाँ, तो डार्क वेब पर आपको इसका भी सलूशन मिलेगा, क्योंकि आप वहाँ पर करीबन 75,000 का घाव देने से लेकर किसी का काम तमाम करने के लिए 15 लाख खर्च करके अपने दुश्मन को अपने रास्ते से हटा सकते हो। इतना ही नहीं, डार्क वेब पर आपको वेपन्स की भी लिस्ट मिलेगी, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी के जुलाई से दिसंबर 2019 तक के लिए किए गए डार्क वेब रिसर्च को देखें, तो ये पता चला था कि डार्क वेब पर 2,124 वेपन्स अलग अलग किस्म के ट्रेड होते हैं। पर ये आपको कितने में मिलेंगे, इसका जवाब सुन के आप सुन हो जाओगे, जो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे हमारे इस वीडियो में, जिसका टाइटल है प्राइसेस ऑफ थिंग्स सोल्ड ऑन द डार्क वेब। तो चलिए शुरुआत करते हैं जानवरों से, जिनकी स्किन और बॉडी पार्ट्स को डार्क वेब पर सरेआम नीलाम किया जाता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज हमारे इंडिया में एनिमल क्रुएल्टी बैन है, लेकिन 2014 में इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट लेदर फुटवेयर और गारमेंट प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट करने वाला देश था। मतलब डिमांड देख रहे हो। पर दुनिया की बात करें तो 2016 से 2017 के दौरान किए गए इंटरपोल ग्लोबल कॉम्प्लेक्स फॉर इनोवेशन के रिसर्च में उन्हें डार्क वेब पर क्रिमिनल्स के एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ के बॉडी पार्ट बेचने का पुख्ता सबूत मिला था। जैसे 1 लाख से ज्यादा में 1 किलो बिकने वाले ये एलिफेंट टस्क्स। लेकिन एलिफेंट सिर्फ एक जानवर नहीं है जो डार्क वेब का शिकार बनता है, राइनोस के जो सींग होते हैं ना, वो भी वहां पर बेचा जाता है। और इंटरपोल की रिसर्च जो एलिफेंट्स, राइनोस, टाइगर, लायन और लेपर्ड जैसे खत्म हो रहे प्रजातियों के जानवरों पर की गई थी, उसके मुताबिक साउथ अफ्रीका, जहां दुनिया की लार्जेस्ट व्हाइट और ब्लैक राइनो पॉपुलेशन है, वहां 2007 से 2015 के बीच राइनोस के हॉर्न्स के लिए उन्हें मार देने का आंकड़ा 90 गुना बड़ा था। और सिर्फ 2016 में 1054 राइनोस मारे गए थे। वहीं अगर हम हाथियों की बात करें तो 2016 में हाथियों को मारकर 20 टन जितने हाथी दांत दुनिया भर में पकड़े गए थे। और इसके साथ साथ ही शेर, चीता जैसे जानवरों को उनकी चमड़ी, पंजे, दांत, हड्डियों और उनके खून के लिए एशिया के अलग अलग कंट्रीज में बेचने के लिए मारा जा रहा था, जिसे कहीं मेडिसिन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था तो कहीं टाइगर बोन वाइन बनाने के लिए किया जा रहा था, जवानी बढ़ाने के लिए। और जानवरों के बॉडी पार्ट्स बेचने का ये धंधा कितना बड़ा है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि 2013 में इंटरपोल के रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2 हफ्तों की ऑनलाइन चली नीलामी में 9 यूरोपियन कंट्रीज से लोगों ने कई 100 एनिमल बॉडी पार्ट्स आइटम्स को खरीदा था, जिनकी टोटल कीमत करीबन 12.2 करोड़ थी। अब जानवर तो बहुत ही बड़ी चीज है भाई लोग, डार्क वेब पर आपको सस्ती ऑनलाइन शॉपिंग के लिए फेक कूपॉन्स भी मिलते हैं, जिनकी इंडियन मार्केट की बात करें तो 2015 के एक डेटा के मुताबिक ये बिजनेस इंडिया में 62.9% की ग्रोथ रेट के साथ हर महीने 76 लाख यूजर्स के सपोर्ट से बढ़ते जा रहा है। अब ऑब्वियसली कोई भी नॉर्मल इंसान डार्क वेब पर शॉपिंग नहीं करने जाने वाला, और मैं ये रेकमेंड भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये वेबसाइट्स बहुत ही ज्यादा अनसेफ होते हैं और इनमें आपने पैसे तो दे दिए लेकिन क्या गारंटी है कि आपको आपका प्रोडक्ट मिलेगा। और इसीलिए यहाँ पर हमारे डे टू डे शॉपिंग एप्स जैसे कि Amazon, Myntra, Flipkart, Ajio, ये सब इतने चलते हैं क्योंकि ये कस्टमर में ट्रस्ट को बनाए रख रहे हैं। बट फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आप इन भी वेबसाइट्स और एप्स में शॉपिंग करके असल में पैसे कमा सकते हो? वेल यस, कैशबैक और कैश रिवॉर्ड्स के रूप में ओनली थ्रू कैश करो ऐप। अब यार हम रेगुलरली ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, लेकिन एक छोटी सी अच्छी आदत जो मैंने अभी अभी लगाई है, वो हमारे काफी सारे पैसे बचा सकती है इन द लॉन्ग रन। तो देखो, मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। एक बार कैश करो ऐप को आपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया तो उसमें रजिस्टर कर लो। फिर उसके बाद आपको जब भी शॉपिंग करना हो, Amazon, Ajio या स्विगी से खाना मंगाना हो, आपको इन सभी पर्पसेस के लिए 10 ऐप रखने की जरूरत नहीं है। एक अकेला कैश करो काफी है, इसको आपको सिलेक्ट करना है और इस ऐप के थ्रू, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, आप Amazon पे क्लिक कर सकते हो या फिर कोई भी वो वेबसाइट जो आपको यूज करनी हो शॉपिंग के लिए। और सबसे पहले तो अगर आप कूपन कोड GSF25 यूज करोगे तो आपको 25 रुपीस का बोनस मिलेगा। और उसके बाद कैश करो के थ्रू शॉपिंग करने में आपको 60% तक का कैश बैक मिल सकता है, जो आपके माई अर्निंग सेक्शन में कुछ दिन बाद रिफ्लेक्ट होने लगेगा। अब इस पैसों को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो या फिर Amazon के गिफ्ट कार्ड में कन्वर्ट करा सकते हो। बट ये आपकी एक्स्ट्रा इनकम है जो आपको लिटरली शॉपिंग करके मिली है।
या फिर ऐसे भी देख सकते हो कि आपने ढेर सारे पैसे बचाए। सो देर किस बात की, लगा लो ये आदत। नीचे दिया गया है लिंक, डाउनलोड कैश करो एंड हैव ए हैप्पी शॉपिंग। अब फ्रेंड्स बात करें डार्क वेब पर शॉपिंग की, तो हम ह्यूमन ऑर्गन्स की बात कर रहे थे राइट। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, डार्क वेब पर इंसानों की चमड़ी 743 रुपीस पर इंच के हिसाब से मिलती है और इस चमड़ी से बनने वाले जूट आपको 10 लाख रुपए तक का मिलता है। स्किन से बने हुए पर्सेस, बेल्ट्स आपको 7.5 लाख तक मिल सकते हैं। पर वहीं पर इंसानों के बाकी के बॉडी पार्ट्स जैसे कि आंखें 22 लाख रुपीस, लंग्स 1-2 करोड़ रुपीस, हार्ट करीबन 97 लाख रुपीस, लिवर 72 लाख रुपीस और किडनी 46 लाख रुपीस की है। और सबसे सस्ती डील है नॉन ट्रांसप्लांटेबल पार्ट्स जैसे कि हाथ पैर जो कि करीबन 40,000 की है। पर क्या आपको पता है इंडिया में 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक 2,20,000 लोग किडनी के ट्रांसप्लांट के लिए वेटिंग लिस्ट में इंतजार कर रहे थे, लेकिन किडनी मिली सिर्फ 15,000 लोगों को। इतना ही नहीं, वेटिंग लिस्ट में मौजूद इन लोगों को 3-5 साल जितने इंतजार के बाद जाकर किडनी मिलती है। और इसी के चलते हर साल इंडिया में 5 लाख लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि इस आर्टिकल के डेटा के मुताबिक इंडिया में 10 लाख लोगों के पीछे सिर्फ 0.5% डोनर्स हैं। और इसी लो रेट ऑफ डोनर्स की वजह से लोग अपनी और अपनों की जान बचाने के लिए डार्क वेब पर पहुंच जाते हैं। पर हैरान करने वाली बात यह है कि 2017 के WHO बुलेटिन में ये बात सामने आई थी कि इंडिया एक कॉमनली नोन ऑर्गन एक्सपोर्टिंग कंट्री है, जहाँ के लोग अपने ऑर्गन्स को डोनेट करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि लोग अपनी मर्जी से अपने बॉडी पार्ट्स को क्यों बेच रहे हैं? रूरल एरियाज के लोग ज्यादा जाने जाते हैं। शिप का और उसके पति जिनके साथ फायदा उठाने की कोशिश की गई थी, संगीता के पति को उसी के दोस्त ने अपनी तरह ऑर्गन डोनेट करने की स्कीम सुनाई थी और खुद के ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में बताया था। पर जब संगीता की बारी आई तो उसने पुलिस में कंप्लेन करवा दी, जिसके चलते कानपुर से पैसे बनाने के सपने को लेकर दिल्ली शहर में फंसी बिना जाने ही ऑर्गन ट्रैफिकिंग करने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करने में मदद कर दिया, जिसमें दिल्ली के जाने माने हॉस्पिटल पुष्पावती सिंघानिया रिसर्च इंस्टीट्यूट और फरीदाबाद के फोर्टिस हॉस्पिटल के सीनियर स्टाफ्स को पकड़ लिया गया था। साथ ही असम में भी एक ऐसे ही ऑर्गन ट्रैफिकिंग रैकेट का पर्दाफाश हुआ था और इससे दाखिन धर्मतूल गांव के 10 लोग पीड़ित हुए थे। लेकिन इन लोगों के अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग और माइग्रेंट्स ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बड़े शिकार होते हैं, यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने वाले रिफ्यूजीज जिनके पास अपनी पहचान बताने के लिए कोई पेपर नहीं होता, और इसी का फायदा उठाकर क्रिमिनल्स उन्हें डार्क वेब पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए ले जाते हैं। और दुख की बात तो यह है कि डार्क वेब का ये घिनौना मार्केट बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अब इंसानों की बिकाई के साथ डार्क वेब में हो रहे वेपन्स के सौदे के बारे में भी बात करते हैं। Well, किस लेवल पर वेपन ट्रेड हो रहा है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको जर्मनी के म्यूनिच शहर में रहने वाले जर्मन इरानियन लड़के के एग्जाम्पल से देता हूँ, जिसने डार्क वेब से पिस्टल खरीदी थी और फिर इसने पहले 9 लोगों को मार डाला और उन्हें मारने के बाद खुद को। मतलब जरा सोचो, अगर कल को इस वेब के चलते बच्चों के हाथ ग्रेनेड जैसे हथियार आसानी से लगने लगे तो इस पीसफुल सोसाइटी का क्या ही हो जाएगा। क्योंकि डार्क वेब पर आपको 2016 में करीबन 28,000 में एक नहीं 3-3 ग्रेनेड्स मिल रहे थे। और वहीं पर अगर मैं बंदूकों की बात करूं तो मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के क्रिमिनल जस्टिस प्रोफेसर थॉमस होल्ट के मुताबिक वहां ज्यादातर एग्जॉटिक या मिलिट्री राइफल्स जैसे गन्स नहीं मिलते, पर वहां पर बेसिक गन्स मिलते हैं जो आपको आसानी से US के किसी भी लाइसेंस दुकान पर मिलते हैं। जैसे वहाँ पर बिकने वाली 64% हैंडगन्स होती है, 17% सेमी ऑटोमेटिक लॉन्ग गन्स होती है और सिर्फ 4% ही ऑटोमेटिक गन्स होती है, जिनमें से नॉर्मल हैंडगन्स की प्राइस करीबन 40,000 से 90,000 रुपीस है और AK-47 की प्राइस डार्क वेब पर 2 लाख तक पहुंच जाती है। यानी इनकी प्राइसेस रियल वर्ल्ड में मिलने वाली गन्स की प्राइसेस से थोड़ी बहुत ही ज्यादा होती है। तो लोग इसे लीगली लाइसेंस दुकानों से खरीदने की बजाय डार्क वेब से ही क्यों खरीदते हैं? वेल, प्रोफेसर थॉमस होल्ट के मुताबिक इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला कि जो इंसान इसे खरीद रहा है वो इसे ऑब्वियसली लीगली खरीद नहीं पा रहा था और इसीलिए ही रिजॉर्टेड टू डार्क वेब। दूसरा रीजन है कि इंसान के देश में गन्स के लिए स्ट्रिक्ट लॉज है और क्योंकि डार्क वेब एनोनिमिटी पर चलता है, लोग ऐसे हथियार डार्क वेब से खरीदते हैं। लेकिन वहीं अब अगर बात करें कि डार्क वेब पर ये वेपन्स आते कहां से हैं, तो डार्क वेब पर US की 60% गन्स लिस्टेड है और वहीं यूरोपियन कंट्रीज की 25% गन्स लिस्टेड है और बचे हुए 15% लिस्टेड गन्स अनस्पेसिफाइड लोकेशंस की है।
बट यहाँ पर हैरान करने वाली बात ये नहीं है, असल बात ये है कि 12 क्रिप्टो मार्केट्स के एनालिसिस से पता चला कि हर महीने डार्क वेब पर 60 लाख का आम ट्रेड होता है, जिसे रोकने के लिए कई कदम उठाए तो गए हैं, पर डार्क वेब पर क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट और पूरी एनोनिमिटी की वजह से डील करने वाले लोगों को पकड़ना नामुमकिन सा होता है। अब बढ़ते हैं डार्क वेब पर मिलने वाले सुपारी किलर यानी कि हिटमैन और माल के बारे में, जहां आपको इंसानों को मौत के घाट उतारने वाले हिटमैन से जिनकी प्राइस देखने जाए तो सिर्फ घाव देने या गाड़ी जलाने के 75,000 रुपीज है, प्रॉपर्टी को जलाने के 1,50,000, हड्डियां तोड़ने के करीबन 18,500, एसिड अटैक करने के करीबन 3 लाख और मौत के घाट उतारने जैसे मैंने कहा उसके 15 लाख। और अगर इसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऊपर दिए गए आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हो और आप पहुंच जाओगे हमारे वीडियो Why You Shouldn't Visit Dark Web पर, जिसमें आपको इस पर विस्तार में जानकारी मिलेगी। और हिटमैन के अलावा अगर डार्क वेब पर फूकने के लिए मिलने वाले माल की बात करें तो यहाँ पर हेरोइन 3,000 रुपीस, व्हाइट मिश्री यानी कि मैथ या रंगीन पेपर यानी LSD 5,000 रुपीस, और ये सब आपके घर में एस क्लेम्ड 5-10 दिन में पहुंच जाता है। जबकि US में पर ग्राम के हिसाब से हीरोइन की प्राइस $152 यानी कि 11,000 रुपीस से ज्यादा है। और इन्हीं हीरोइन और रंगीन पेपर जैसे माल को रखने के लिए ज्यादा जगह भी नहीं चाहिए, क्योंकि 25 माइक्रोग्राम्स जितने से हाई कर देने वाले ये रंगीन पेपर तो नमक के 2 दानों से भी हल्के होते हैं। और ऐसे ही माल के लत लगने और डार्क वेब से फूकने के लिए माल मंगाने वाले इंडिया के एक 25 साल के लड़के ने माल के लिए सिर्फ बिटकॉइन एक्सचेंज साइट्स को ही नहीं हैक किया था, पर वाईफाई से कनेक्ट करके लोगों के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को चुराया था, जिसकी गिरफ्तारी बेंगलुरु पुलिस ने की थी। पर ये तो सिर्फ माल रैकेट में ही पकड़ा गया था। US के यूरोपोल एजेंसी ने ऑपरेशन डार्क हंटर के दौरान माल रैकेट में फंसे 150 लोगों को अरेस्ट करवाया था। लेकिन अगर इनके शुरुआत की बात की जाए तो इनकी शुरुआत 2013 में डार्क वेब पर सिल्क रोड नामक वेबसाइट से हुई, जो 2014 में बंद करवा दी गई। बट हैरान करने वाली बात ये थी कि सिर्फ 2 साल भर में सिल्क रोड की क्रिप्टो कमाई 100 करोड़ की थी। और अगर आज ये क्रिप्टो FBI के कब्जे में होता तो आज 100 करोड़ का क्रिप्टो 10,000 करोड़ का हो जाता। सो भाई लोग, आपको डार्क वेब पर बिकने वाले इन प्राइसेस को सुनकर कैसा लगा? क्या आप किसी को जानते हो जिसने कभी डार्क वेब से कुछ मंगाया हो? Well, मैं पर्सनली कहूंगा डार्क वेब से दूर रहो, क्योंकि यहाँ पे हैकिंग का बहुत चांस होता है और ये सारी चीजें जो यहाँ पे बेची जा रही है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया एब्सोल्युटली इलीगल है, इन्हें खरीदना बेवकूफी होगी। और ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए था। इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबा दो ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले ऑनलाइन वेबसाइट में शॉपिंग करते वक्त कैश करो से शॉप करना मत भूलना, छोटी सी आदत है जो आपका काफी फायदा कराएगी। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गेट ₹25 बोनस। विद दैट सेड फ्रेंड्स, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।